क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया। ये वीडियो ना मेरे कंटेंट के लिए और जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ उनके लिए, और जो मेरा कंटेंट चोरी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अपडेट कर रहे हैं ना, उनके लिए। देखो भाई सुनो, मेरा कहना ये कि तुम मेरा साथ दे रहे हैं जो भी बंदे, ठीक है, भले ही पैसे लेके दे रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं अलग चीज़ में लेके चलता हूँ इसको। अगर कोई बंदा बोलते हैं कि भाई पैसे में काम कर रहे हैं तेरे पास, चलो ठीक है, मैं भड़क नहीं रहा उसमें कि भाई सबकी नीड पैसा है, उसके बाद जो चलो वो तो कोई बात नहीं, करते हैं कोई नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये कि जो मेरा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया उसको ना एडिट कर करके कई जगह पे अच्छे से वो चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, यूट्यूब पे चला रहे हैं, तो दुख उनका भाई, और उनका भी दुख नहीं है, कोई बात नहीं, फेस तो मेरा ही जा रहा है ना भाई, मेरा फेस तो छुप नहीं रहा, और छुपा भी लोगे तो कोई बात नहीं, वॉइस मेरी जाएगी, ठीक है, तो और तो कुछ उसमें है नहीं कि मतलब फेस और वॉइस छुपा के तुम कुछ कर लोगे। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मेरे सारे किसी की दाल रोटी चल जाए अच्छी बात है, लेकिन दुख इस बात का कि तुम भाई मेरी वीडियो और भी गई, रियलिटी शोज की गई ना, तुमने किसी ने मतलब कि रिएक्ट उस पर किया नहीं भाई, कुछ भी बोल लिया नहीं कुछ भी, भाई किस चीज़ के सेलिब्रिटी, तुम किस चीज़ के पेज चला रहे हो ना भाई, चूती आदमी हो तुम, कहते ठीक है दाब के मैं बोलूँ तो मेरी लैंग्वेज बोलूँ तो जूस पियो। देखो भाई मैंने बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ कर रखा है, जिस सोशल मीडिया के जरिए तुम पैसा कमाने की ये बड़े लेवल पे जाने सोच रहे हो भाई, बड़े लेवल पर जाके मैं नीचे गिर चुका हूँ और पैसा तो बहुत कमा के खो चुका हूँ, मेरे को सभी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत चीज़ों की नॉलेज है, सब कुछ पता है मेरे को, कौन कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं, ठीक है, किसकी सोच कहाँ तक जा रही है, कौन क्या करेगा, मेरे को बहुत चीज़ें पता रहती हैं। तो मेरा यही कहना भाई, मेरी वीडियो के जरिए आपकी रोटी चल रही है चलाओ, लेकिन मेरे चैनल का नाम तो डाल दो यार, क्रिएटर वो लिख तो दो वहाँ पे कम से कम, मैं आपको कौन सा स्ट्राइक मार रहा हूँ यार, मैं नहीं मार रहा कुछ भी नहीं कर रहा यार मैं, अगर मेरे को स्ट्राइक शुरू मारने तो लोगों लगा के भेजता है यहाँ पे, मेरा नाम लिखता ही वीडियो के अंदर वो करता, कोई नहीं भाई, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई, काफ़ी नाम भी ले तो शर्म आओ, मन तो यार उनका नाम लेते हो कि ऐसा ऐसा करेंगे, वो सारे जान पहचान के यार, डूब मरो यार, तो मेरा वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे, दूसरे चैनल क्रिएट करा के उनको ऊपर चला रखी तुमने वीडियो, जिनके ऊपर तुम्हारा नाम ही नहीं वो नहीं। यार एक बात बताओ, मेरा कंटेंट जा रहा, मैंने एक कॉल मारी है ठीक है, मेरे दोस्तों ने अपडेट कर रखे हैं यार, बताओ भाई क्या करूँ मैं, दोस्तों के नाम के अकाउंट बने पड़े हैं, उनकी आईडी लगी पड़ी, आधार कार्ड वो लगा पड़ा उनके अंदर, पैन कार्ड वो लगा पड़ा अंदर उनके, बताओ भाई इसे फालतू क्या प्रूफ दूं मैं आपको, ऐसा क्यों करते हैं यार भाई। किसी ने कहा अपना बंदा ना वो ही मारता बंदे को, घर का वेदी लंका ढाए, सही बात है, ऐसे कुछ सुनने कहावत होया करे। और मेरे बहुत बंदे यार जान पहचान सोशल मीडिया में बहुत तगड़ी चीज़ चली उड़ी, ठीक है, सबको पता ही है बंदा किसी को बोल लेगा नहीं इन चीज़ों के लिए, और गलती से मैंने स्ट्राइक मारी तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कलेम मार दिया मैंने चीज़ों का, अगर मैं अपने दिमाग से उसे चलूँ, हालांकि मेरे को सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं करना, ठीक है, मैं मेरा कमा लेता हूँ भाई, भगवान की तरह दाल रोटी अच्छी चल रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं, अपना जो चीज़ चाहिए ना वो अपने पास है, देता भगवान, मैं किसी गलत नहीं करता। तो यार तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि यार एक बंदा है जो वीडियोज़ के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, और तुम 50 बंदे मिल के मतलब कि ऐसी तैसी करने लगे हो, सोचो यार, और मैं खुश हूँ भाई, मैं अकेला अगर कंटेंट क्रिएट करता हूँ मेरी मेहनत से ना 50 बंदों की दाल रोटी चल रही ना, तो यार बहुत खुश हूँ मैं यार, सच्ची में यार बहुत खुश हूँ, ऑनेस्टली स्पीक मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को ये था कि मैं किसी को दो रोटी नहीं खिला सकता, पर आज मुझे महसूस ही हुआ कि दुनिया मेरे जरिए खा रही है रोटी, कमा रहे हैं मेरे वीडियो से, कमा रहे लोग। यार एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपको बताऊं मैं, 2-3 साल की बात होगी, एक अपना जान पहचान का भाई था, ठीक है, भाई बोल रहे हैं उसको, मैं तो गाड़ी दूंगा नहीं, मैंने एक वीडियो ऐसे ही 10 मिनट का वीडियो बनाया, वो लोग उसके साथ में, उस बंदे को मैंने पे किया, मैंने मेरे चैनल पर डाला यूट्यूब पर, मैंने कमाया उससे $242, ठीक है भाई, $242 मैंने कमाया एक वीडियो से उसके, ठीक है, उसे 4-5 वीडियो था, काफ़ी मैंने उससे पैसा कमाया उस दोस्त से, कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो नहीं कि मैंने उसको पैसा भी दिया था, तो मेरा पैसा वसूल था, कोई दिक्कत नहीं।
अब मन नाम क्या वो समझ ही रहा है बंदा, वो वीडियो उठा के वहां से उसके चैन बंदे के चैनल के ऊपर डाल दिया, और वहां से उसकी कमाई अच्छी हुई ठीक है। उसने इस वे में डाला कि मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आया। उसके बावजूद पर क्या हुआ, मेरे को पता कब लगा, मैंने फेसबुक पे डाल दिया 6 महीने बाद पता नहीं वो वीडियो मेरे पे, तो जैसे डाला तो मेरे ऊपर स्ट्राइक आ रही है उसके ऊपर ऑटोमेटिक। मैं कह रहा कंटेंट मेरा, वीडियो मेरा, मोबाइल में मेरे में पड़ा यार, ये स्ट्राइक कैसे आ गई? पता लगे कि वो बंदे ना मैंने जैसे अपलोड किया यूट्यूब पे, उसके 2-3 दिन बाद ही ना यूट्यूब और फेसबुक पर सब पे चला दिया था। तो वो वीडियो मेरे सामने आया फेसबुक पे, उसके थे 12 मिलियन व्यू थे भाई। 12 मिलियन व्यू ना मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं उसके पेज के ऊपर, बंदे के देखे मैंने। और कितना था, 8 लाख उसके यूट्यूब पे था भाई, ठीक है 8 लाख था यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब पे चला 2.2 मिलियन उस बंदे का वीडियो। बहुत बंदों ने इस्तेमाल करा मेरा और कर रहे हैं भाई, कोई नहीं करो यार। बस आज मैं थोड़ा सा ये मेरे को फील हुआ कि यार हाँ मैं काम का बंदा हूँ भाई, ठीक है मेरे सारे रोजगार चला रहे हैं लोग, ये मैं चौड़ा के बोल सकता हूँ। मेरी वीडियोज अपलोड करता हूँ उसके जरिए लोग खा रहे हैं भाई, खा रहे हैं तो खा रहे हैं। मेरा क्या खर्चा हो रहा है, मेरा 50-60 हज़ार रुपये हो रहा है, 70 हज़ार रुपये हो रहा है महीने का। 70 हज़ार रुपये चक्कर में 50 बंदे रोटी खा रहे हैं यार, बहुत बढ़िया बात है। मैं अकेला कमाता हूँ, पर भाई दुनिया ही ऐसी है। तो भाई तुम्हारे अंदर ना भगवान सब के अंदर काबिलियत देता कुछ ना कुछ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं चोरी वाली जो तुम्हारे अंदर है। अरे तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर वो तुम्हारे अंदर नहीं भाई। बंदे का फेस चलता है, वीडियो बनाता है, ऐसे करता है ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई। तुम चोरी करे तुम भी अपने भाई हो यार दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, करो चोरी कोई दिक्कत नहीं। तुम नहीं मरना, मन नहीं मरना यार ठीक है, क्या दिक्कत, क्या क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं। चलो तुम्हारे यूँ तो होगा कि किसी की वीडियो हम उठा के, किसी का कंटेंट मार रहे हैं, वो वीडियो उठा के कर रहे हैं, अपने चैनल पर डाल रहे हैं, उससे हम पैसे कमा रहे हैं। नाम तो लिख दो यार बंदे का कम से कम, कि यार रिक्की भाई का अपना है, कोई बात नहीं। पैसा मत दो यार, नहीं चाहिए पैसा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मजबूरी है यार, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम इतने बहुत बड़े अमीर होते, दिग्गज होते, तो मेरी वीडियो को छेड़ते ही नहीं, है ना, इतना पैसा तुम्हारे पास होता। तो मेरे को पता है तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तब मेरी चीज़ें छेड़ रहे हो। और जो मेरे साथ काम कर गए मेरे चैनल के ऊपर बंदे, देख लो आज मेरे से बात नहीं करते, काफ़ी पॉपुलर बंदे पड़े हैं, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते। इवन तो मैं आपको बोलूँगा कि कई बंदों ने, न्यूज़ वालों ने मेरी बाइट ली, वो बंदे मेरे को फ़ोन नहीं उठा रहे, उनके फॉलोवर सब्सक्राइबर बहुत कम थे जब मेरा वीडियो बनाते थे, बाद में सबका हुआ अच्छा खासा हुआ, आज मेरा खुद फ़ोन नहीं उठा रहे। तो यही कि भाई मैंने देख रखा अपने आपको, रिक्की का बंदा वही आता है जिसके जिस टाइम पे उसके पास काम ना हो। जैसे जैसे ग्रो करता ना बंदा, बंदे उड़ जाते हैं भाई, यही चक्कर है, ऐसा ही सीन है भाई, ये सच्चाई है। और मेरे को ये मैंने बोल दिया, बोलना चाह रहा था मैं, तो भाई मेरे अंदर काबिलियत है। कुछ लोग बोलते हैं कि काबिलियत नहीं, नहीं भाई काबिलियत है अपने अंदर, भाई बात समझें। एक बंदा ऐसे मोबाइल से सेल्फी वीडियो बनाएगा ना, ऐसे 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 करेगा, बनाता है, उससे लोग कमाई खाते हैं, सोचो क्या बंदा हो। चलो ठीक है भाई, ये ऐसे ही था ब्लॉग आज का, जो भी था अच्छा था, जो भी था। और थैंक्स, मेरी एक फ्रेंड है उसने सिखाया, ब्लॉग नहीं वीलॉग्स होता है, वो सही बोली थी, वी होता है ऐसे भी, वीलॉग्स। और उसका ना चैनल भी अभी यूट्यूब पे उसने बना रखा है, उसका अपनी सब्सक्राइबर 700-800 या 200-300 पता नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को उससे मिले हुए। जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा उसको ही प्रमोट करूँगा साथ साथ में फिर मैं। तो चलो ठीक है, जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका ही भला करे भगवान, ना दे रहे उनका भी कोई दिक्कत नहीं। वी आर फैमिली, सारे मौज लो भाई, मस्ती में रहो। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, लव यू सभी को भाई। चलो अभी थोड़ा सा वीडियो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और मैं तो भाई सबको लेके साथ में चलने की कोशिश करता हूँ, बाकी वे जिसको मेरे को छोड़ना वो छोड़ सकता है, बाकी जो जाएगा वो जाएगा। एक अपनी दोस्त है अभी बनी है ठीक है, उसने बोला कि जो आपके पास में है वो आपका है, और वाकई वो दिन और रात सही थी। चलो ठीक है, कोई किसी का नहीं, और ऊपर वाला सबको तरक्की दे भाई ठीक है, हम तो ये बोल रहे हैं भगवान की दया था, सबके काम अच्छे हो। गुड नाइट, पॉजिटिव सोचो सबके बारे में, अच्छा सोचो, गलत मत सोचो कि बंदा हमसे आगे निकला, बंदी हमसे आगे निकली, नहीं, उनका साथ दो आप ठीक है। जब आप दूसरे बंदे को देख के खुश होगे ना, तो भगवान आपका ऑटोमेटिक साथ दे देगा।
आप जलोगे नहीं, आप खुद ग्रो करोगे। फिर किसी की चीज़ को देख के आप जलो मत यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे ही बंदा हूँ, कोई अन्ना अपना अंदर एटीट्यूड ना घमंड, ठीक है, बहुत चीज़ें देख रखी हैं यार, तकड़े लेवल पर खेल रहा बंदा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो मौज लो, और थैंक्स अगेन भाई यूट्यूब रो, मेरे साथ रियलिटी शो की लाइन में ला के तुम बने हो, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए, जैसे जूस है ना भाई, थारे लिए मैं ही खड़ा करता, लाइन फॉर्म मन ने तुम्हारे दिए हैं छीन छीन के, ठीक है ना, कूद कूद के लाइनों में बड़े धक्के खाए हैं भाई मैंने। और सच्ची बात बोलूँ, आपके साथ जो आते थे ना उनका ख्याल भी मैंने रखा है, क्योंकि मुझे पता था मैं एक एपिसोड या एक सूट से ना मैं बाहर हो जाऊँगा, मेरी आगे लाइफ नहीं उसमें। मैंने इतना भाई, फिर भी मेरे पता था ना मेरी दौड़ कहाँ तक क्या चल रहा है मेरा। मेरे को तो विजय बनना है, जैंकर, ठीक है, उसके लिए अभी मेरे अंदर वो चैनल को दिखाई देता तो मैं बाहर हूँ, और कोई बंदा ये मेरा नाम ले नहीं रहा अभी, जानबूझ के मेरे को दबा रखा है। तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा आ जाऊँगा, अपना दम पाऊँगा, फिर ट्रोल करेगी दुनिया, फिर ट्रेंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, मजे लूँगा। चैनल पे ना 1500 वीडियो डाल रखी है मैंने, 1500 वीडियो, उसमें से 1200 नहीं 1300 वीडियो लॉन्ग वीडियो मेरी मोनेटाइज है यूट्यूब पे। अब सोच लो जिस दिन ट्रेंड आओगा उस दिन कितना पैसा आओगा उस पर, तो मैं बेवकूफ़ होनी जो इस यूट्यूब पर भरण दायरा वीडियो पैसे लगा लगा के ना भाई, कम से कम 20 लाख का सौदा करूँगा इस पर नॉर्मली। क्या सोच रहे हो, ऐसे ही लग रहे ना, गलत फहमी है, निकाल दियो दिमाग से भाई। चलो भाई मौज लो, हमारे अंदर भी दिमाग है, बताने नहीं चाहिए तुम्हें ये बात, लेकिन बता दी। चलो ठीक है, लव यू भाई सभी।